आज हम बात करने वाले हैं 20 डेज टू मास्टर अफर्मेशन किताब के बारे में, जिसे लुईस हे ने लिखा है। इस किताब में आप ऐसे आसान और सिंपल शब्दों के बारे में सीखेंगे जिन्हें किसी भी परेशानी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम हो या फिजिकल प्रॉब्लम। इसमें आप ये भी सीखेंगे कि कैसे अपनी पर्सनल अफर्मेशन को बनाया जाए, जिन्हें लगातार आप आसानी से इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकें। इस तरह आप इस किताब में 21 दिनों में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सीखेंगे। अफर्मेशन क्या है? आपके द्वारा सोचा गया हर एक विचार और आपके द्वारा बोला गया हर एक शब्द एक अफर्मेशन है। आपकी सारी सेल्फ कम्युनिकेशन, आपका इंटरनल कम्युनिकेशन अफर्मेशन का एक हिस्सा है। आप हर पल अफर्मेशन का यूज कर रहे हैं, चाहे आप इसके बारे में जानते हो या नहीं। आप हर शब्द और विचार के साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बोल और बना रहे हैं। आपके विश्वास सिर्फ आपकी सोच पैटर्न के रिजल्ट हैं, जो आपने एक बच्चे के रूप में सोचे और विश्वास किए हैं। उनमें से कई आपके लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि दूसरी मान्यताएं आपकी मनचाही चीजों को बनाने में आपकी क्षमता या काबिलियत को सीमित कर रही हों, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हों। और ऐसे में हो सकता है कि आप अपने और आसपास की चीजों के बारे में जो सोचते हैं और जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, वो बहुत अलग हो सकता है। इसलिए आपको अपने विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आप उन एक्सपीरियंसेस को खत्म करना शुरू कर सके जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, और ऐसे एक्सपीरियंसेस को जीना शुरू कर दें जिनके साथ जीना चाहते हैं। इसलिए पॉजिटिव और अच्छे विचार सोचें। ये आसान और सिंपल है। अभी आप जिस तरह से सोचने का चुनाव करते हैं, वो सिर्फ अभी आपके लिए एक चॉइस होगी। अभी आपको इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट का एहसास नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने इतने लंबे समय से ऐसा ही सोचा है। लेकिन ये वास्तव में सोचने के बारे में एक ऐसी चॉइस हो सकती है, जो आपके जीवन के कई पहलुओं को पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल सकती है। इसलिए अभी, आज और इसी पल से अपनी सोच को बदलने के रास्ते को चुनें। जीवन में जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं और खुशी और कामयाबी से रिलेटेड विचारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचें और बातें करें। हालांकि इससे आपका जीवन रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हैं और डेली बेसिस पर उन विचारों के बारे में सोचते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन के हर क्षेत्र में पॉजिटिव बदलाव करेंगे। अफर्मेशन की ताकत। जब आप सोचने के तरीके को बदलने लगेंगे, तो आपके जीवन में सब कुछ बदलने लगेगा। ये देखकर आप शॉक हो सकते हैं कि कैसे लोग, चीजें और जीवन में सिचुएशन अपने आप बदलने लगी हैं। और ऐसा होते हुए आप देखेंगे कि इन चीजों का आपके लिए खराब होने में दोष सिर्फ एक नेगेटिव सोच और इनके बारे में अपने आप से और दूसरों से कही गई नेगेटिव बात का है। अगर आप इसे पॉजिटिव बना लें, तो ये सभी चीजें आपकी कामयाबी और खुशी में मददगार साबित होंगी। इस तरह आपके जीवन में हर एक चीज, लोग, सिचुएशन और इंसान जो भी आपको मददगार और फायदेमंद नहीं लगते हैं, वो आपकी खुशी और कामयाबी में योगदान देने वाले बनने लगेंगे। इसलिए चीजों, लोगों और सिचुएशन के बारे में अपने आप से करने वाली बातों को पॉजिटिव दिशा में बदलना शुरू कर दें। यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इनमें नेगेटिव अफर्मेशंस को इस तरह से पॉजिटिव में बदलें। मैं अपने शरीर से नफरत करता हूँ, ये बन जाता है। मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ और उसकी परवाह करता हूँ। मेरे पास कभी भी जरूरत के मुताबिक पैसा नहीं रहा। इसे कुछ इस तरह से कहें, पैसा मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा मात्रा में आता जाता रहता है। मैं बीमार होने की वजह से थक गया हूँ। इसे इस तरह से कहना शुरू करें, मैं अपने शरीर को दोबारा स्वस्थ होने की परमिशन देता हूँ। मैं बहुत मोटा हूँ। इसे इस तरह से कहना शुरू करें, मैं अपने शरीर की इज्जत करता हूँ और इसकी देखरेख करता हूँ। मैं क्रिएटिव नहीं हूँ। इसे इस तरह कहें, मैं अपने अंदर की काबिलियत को समझ चुका हूँ, जिन्हें मैं जान नहीं पाया था, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ, तो अब मैं इसका इस्तेमाल पॉजिटिव दिशा में करने वाला हूँ। मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। इसे इस तरह से कहें, मैं पॉजिटिव बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ और सबसे अच्छी चीज हासिल करने के काबिल हूँ। आत्मसम्मान। हमारा आत्मसम्मान तब बढ़ता है जब हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपने आप को अच्छा मानते हैं। अपने आप में जो अच्छाइयाँ हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी में कामयाबी और खुशी को आकर्षित करते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं और अपने अंदर जो कमियाँ हैं, उन्हें पॉजिटिव दिशा में बदलने के लिए काम करते हैं और अपने आप को अच्छी चीजें हासिल करने के लायक मानते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। सबसे जरूरी चीज, अपने बारे में हम ज्यादा से ज्यादा समय अच्छाई के बारे में सोचते हैं और अपने आप को अच्छा महसूस कराते हैं, जिससे हमारा आत्मसम्मान लगातार बढ़े और हमेशा बढ़ता रहे। यहाँ पर कुछ बातें हैं जिन्हें आपको अपने आप से रोज करते रहना चाहिए, ताकि आपका आत्मसम्मान पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़े और समय के साथ बढ़ता जाए और मजबूत होता जाए। मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करना चुनता हूँ। मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ और मैं अपनी ताकत को स्वीकार करता हूँ और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए हर समय तैयार हूँ। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं या करते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि मैं अपने साथ कैसा बिहेव करता हूँ, अपने बारे में क्या सोचता हूँ और अपने साथ कैसा महसूस करता हूँ। मैं पूरी दुनिया को प्यार और स्वीकार करने के नजरिए से देखता हूँ और मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। बदलाव।
अफर्मेशन या अपने आप से बात करने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में सिचुएशन में बदलाव करने के लिए सबसे पहले आपको तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले आप जैसा बनना चाहते हैं वो इंसान बनने के लिए अपने सोचने के तरीके, अपने अंदर विश्वास करने का तरीका और आदतों को बदलते हुए बेहतर आदतों, बेहतर सोच और बेहतर विश्वासों को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ आपको अपने आप से इस तरह की बातें करते रहना चाहिए ताकि बदलाव को शुरू करने, उसे बनाए रखने और बदलाव के साथ बेहतरीन चीजें हासिल करने में आपको मदद मिले। बदलाव इस पल से भी शुरू हो सकता है, मैं ये देखने के लिए तैयार हूँ कि जीवन में मुझे कहाँ और कैसे बदलाव करने की जरूरत है। जिंदगी मेरे पास सिर्फ अच्छे अनुभव को ही लाती है, इसलिए मैं नए और अच्छे बदलाव के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं अतीत के किसी भी नेगेटिव विचार के आधार पर बनाए गए विश्वास जो मुझे आगे बढ़ने से रोकते हैं उसे खत्म करता हूँ और खुशी से अपने आने वाले बेहतर भविष्य को देखता हूँ। मैं दुनिया में सुरक्षित हूँ, मैं बदलाव करने और आगे बढ़ने में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। आई फील रीबॉर्न, मैं अभी से आजाद हूँ और खुशी से आने वाले कल का स्वागत करता हूँ। मेरी जिंदगी का हर बदलाव मुझमें जिंदगी के एक नए और बेहतर लेवल के बारे में समझदारी विकसित करता है। मेरे लिए नई चीजों को अपनाना और उनके साथ बदलना आसान है क्योंकि मैं फ्लेक्सिबल और बेहतर रहता हूँ। डरावने एहसासों से दूर जाना। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में याद करके सोचते हुए हमें बुरा महसूस होता है या डरा हुआ महसूस होता है, और हम सभी उसे दूर करके उस बारे में सोचते हुए अच्छा महसूस करना चाहते हैं। तो आज यही सीखेंगे कि किस तरह से वैसे डरावने एहसासों को दूर करके उन्हें खुशनुमा और अच्छा बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जब भी ऐसे विचार आपके दिमाग में आए तो एक समय के लिए शांत हो और तुरंत उसकी जगह पर कोई पॉजिटिव, आपको खुशी दिलाने वाला या आपको कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाने वाला विचार सोचने लगे। और इसी के साथ ही अच्छे विचार के बारे में अपने अंदर के बच्चे से बात करना शुरू कर दें। उसके साथ मस्ती भरे विचारों और मस्ती भरी बातों के बारे में बात करना शुरू कर दें। अपने आप से इस तरह की बातें करते रहें। काम के बारे में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मुझे डर लगता है कि काम पर कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा। तो इस डर को दूर करने के लिए अपने आप से इस तरह की बातें करते रहें। काम पर मुझे हर कोई अप्रिशिएट करता है। जीने के बारे में अक्सर लोगों को ये डर होता है कि मेरे पास कभी भी अपनी रहने की जगह नहीं होगी। इस डर को दूर करने के लिए अपने आप से इस तरह की बातें करते रहें। ये मेरा बहुत अच्छा घर है और मैं इसे अभी स्वीकार करता हूँ। पारिवारिक रिश्तों के बारे में अक्सर लोगों को डर होता है, मेरे परिवार वाले या माता पिता जैसा मैं हूँ वैसा मुझे नहीं समझते हैं। इस डर को दूर करने के लिए अपने आप से इस तरह की बातें करते रहें। मैं अपने परिवार और अपने माता पिता को स्वीकार करता हूँ और बदले में वो भी मुझे स्वीकार करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह की परेशानियाँ होती हैं तो उन्हें दूर करने के लिए और मस्त रहने के लिए अपने आप से इस तरह की बातें करते रहें। मैं शांत हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ खुश और सुरक्षित महसूस करता हूँ। अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करना मेरे लिए एक सुरक्षित तरीका है। मेरी जिंदगी कामयाबी के लिए बनी है और मैं कामयाबी हासिल करने के लिए बना हूँ। मैं चाहे जहाँ भी जाऊँ प्यार बांटता हूँ और इसलिए प्यार को आकर्षित करता हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग, आपने अक्सर इस बात पर गौर किया होगा कि कभी कभी आप किसी बारे में कोई डिसीजन लेते हैं या कोई काम करते हैं तो उस बारे में डिसीजन लेने या काम करने के बाद आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि आपको वैसा नहीं सोचना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। जाने अनजाने में सोचकर आप परेशान होने लगते हैं, ऐसे में जो होना था वो तो हो गया लेकिन उसके बारे में आप अपने आप को क्रिटिसाइज करके आप परेशान होते हैं। इसलिए इस आदत को खत्म कर और अपने डिसीजंस और बिहेवियर में अपना साथ देने के लिए आपको अपने आप से इस तरह की बातें लगातार करते रहनी चाहिए। मैं अब से अपने बारे में और दूसरों के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही कहूंगा और नेगेटिव कहना मेरी दुनिया के हिस्से से खत्म हो चुका है। मैं हर दिन और ज्यादा काबिल बनता जा रहा हूँ। मैं अपनी सभी भावनाओं के साथ अपने आप को आजादी के साथ सोचने की परमिशन देता हूँ। मेरे सभी विचार और भावनाएं एक्सेप्टेबल हैं। अतीत को जाने देना। अगर आप अतीत में आपको किसी के जरिए बोली गई किसी बात से या आपके साथ हुई किसी घटना की वजह से दुखी रहते हैं और उसे सोचकर परेशान होते रहते हैं तो ये तरीका आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें आप सीखेंगे कि कैसे अतीत की उन घटनाओं या विचारों या लोगों को अपने जीवन से दूर करें जो आपको दुख पहुंचाते हैं और खुश और कामयाब होने में योगदान नहीं देते हैं। सबसे पहले आपको अतीत से रिलेटेड अपनी क्षमताओं को पहचानने, खुश रहने में और आगे बढ़ने में मदद करने वाले विचार या घटनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचने पर ध्यान देना चाहिए ताकि अनचाही चीजों से आप अपने आप ही दूर होने लगे। इसके अलावा आपको अपने आप से इस तरह की ज्यादा बातें करनी चाहिए। अतीत गुजर चुका है और वो कभी नहीं बताया जा सकता, और अभी वो लम्हा है जिसे मैं महसूस करता हूँ, जिसमें मैं खुशी से जी सकता हूँ। मैं अभी से हर नेगेटिव, डिस्ट्रक्टिव और फियरफुल आइडिया के विचार को अपने दिमाग और जिंदगी से दूर करता हूँ। मैं शिकायत करने की जरूरत को खत्म करता हूँ, चाहे वो मेरी हो या किसी और की। मेरा दिल खुशी और कामयाबी और अच्छे लोगों को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से खुला है और इसके बीच आने वाली हर रुकावट को मैं दूर करता हूँ। मैं पॉजिटिव तरीके से गुस्से को अपनी जिंदगी से दूर कर रहा हूँ। अब मैं अपने आप से प्यार कर रहा हूँ और अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अपने परिवार या माता पिता के विचारों और विश्वासों जो उन्हें या मुझे पीछे रोकते हैं जिंदगी में ज्यादा खुश रहने और कामयाबी हासिल करने से रोकते हैं, उन सबको मैं खत्म करता हूँ क्योंकि अब मैं अपने मुताबिक बनने और सोचने के लिए आजाद हूँ।
माफ करना, अगर आप दूसरों की शिकायत करते रहते हैं तो जाने अनजाने में आप अपनी सोच, अपने विचार, अपनी भावनाओं, अपनी खुशी और अपनी कामयाबी की डोर को उनके हाथों में दे देते हैं और जैसा वो चाहते हैं काफी हद तक आप वैसा ही करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों को माफ कर देते हैं तो ये डोर आप अपने हाथ में ले लेते हैं और इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करते हुए अपने लिए फायदेमंद काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरों को माफ करने से अंदरूनी शांति भी मिलती है और दूसरों के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। तो दूसरों को माफ करने के लिए आपको अपने आप से इस तरह की बातें करते रहनी चाहिए, ये नया लम्हा है और मैं अतीत की शिकायतों से दूर जाने और उन्हें माफ करने के लिए आजाद हूँ। मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं आजाद हूँ। मैं माफ करने की आदत बना रहा हूँ। माफ करना सीख रहा हूँ क्योंकि अंदरूनी शांति मेरा लक्ष्य है। मैं इस सच्चाई को जानता हूँ कि लोग अपनी जानकारी, अनुभव और जागरूकता के आधार पर जो उस समय ज्यादा कर सकते हैं वो अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ और अपने आप से ज्यादा प्यार करता हूँ और अपने अंदर के बच्चे की केयर करता हूँ। आज मैं दूसरों को माफ करता हूँ और मैं अपनी जिंदगी को ऐसा बनाने जा रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ दूसरों पर डिपेंड नहीं है। माफ करने से मैं ज्यादा खुश और सुकून महसूस करता हूँ। माफ करना और दूर चले जाना मुझे ज्यादा ताकतवर बनाता है। कुछ भी गलत या सही नहीं है, मैं अपने जजमेंट से परे जा रहा हूँ क्योंकि मैं जान गया हूँ कि हर चीज अपने आप अच्छी भी है और बुरी भी। ये मेरे उसे देखने और यूज करने पर डिपेंड करता है। हेल्थ, अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें हेल्थ और बीमारी से रिलेटेड अपने विश्वासों के बारे में जानना चाहिए कि हम उसके बारे में कैसा विश्वास करते हैं। जैसे कि मैं अक्सर बीमार इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं जब इस चीज को अवॉइड करता हूँ तो बीमार हो जाता हूँ। जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं हमेशा चाहता हूँ, यहाँ पर आप क्या डालेंगे? बचपन में जब मैं बीमार होता था तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे शायद कुछ देती थी तो यहाँ पर क्या आएगा। मेरे महान पिता जब भी मैं बीमार होता था तो मुझे ठीक करने के लिए कुछ करते थे, यहाँ क्या आएगा। अपने आप से बात करने की शक्ति और ताकत को पहचानें और इसे जिंदगी में अपनाएं और विश्वास करें कि आप अपने आप से पॉजिटिव सोच के बारे में पॉजिटिव बात करके आप खराब हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और बेहतर हेल्थ को ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। आपको अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने आप से हेल्थ के बारे में पॉजिटिव बातें करते रहनी चाहिए या आप इस तरह की बातें भी कर सकते हैं। मेरा अच्छा होना हमेशा प्रोसेस में बना रहता है। मैं अच्छी हेल्थ को डिजर्व करता हूँ। मैं प्यार से अपने शरीर के मैसेज को सुनता हूँ। मैं अपनी अच्छी हेल्थ के लिए शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ हेल्थ के बारे में अपने आप से इस तरह की बातें दिन में कई बार करें। मेरा शरीर लगातार अच्छा बनता जा रहा है। मैं अपने शरीर की हर एक कोशिका को बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ हूँ। अच्छी हेल्थ अब मेरी है। मैं अतीत को दूर करता हूँ। मैं अपने अंदर के उस हिस्से से जुड़ रहा हूँ जो जानता है कि कैसे हर एक बीमारी को ठीक करना है और हेल्दी रहना है। मैं अपने हेल्दी शरीर के लिए शुक्रगुजार हूँ और अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता हूँ। हेल्दी होने के बारे में कुछ और चीजें। ये चैप्टर अपने आप को हेल्दी रखने के बारे में सिखाने वाले लेसन का पार्ट 2 है, ताकि आप ज्यादा अच्छे से ये जान सके कि अलग अलग पहलू जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लेवल पर ज्यादा हेल्दी कैसे रहें। तो इसके लिए आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप से इस तरह की बातें करते रहनी चाहिए। मुझे ऐसे खाने बहुत ज्यादा पसंद हैं जो मेरे शरीर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ, इसलिए आने वाले समय में अपने बुढ़ापे में एक हेल्दी शरीर की उम्मीद करता हूँ। मैं लगातार अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए नए नए तरीके डिस्कवर करता रहता हूँ। मैं काम, आराम और खेलकूद के साथ अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लेता हूँ और हर एक को उनकी जरूरत के मुताबिक बराबर समय देता हूँ। जब भी मुझे मदद की जरूरत होती है तो इसे लेने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल को चुनने के लिए प्राथमिकता देता हूँ जो मुझे हेल्दी बनने में अच्छी सलाह दे और मदद कर सके। मैं हर रात जरूरत के मुताबिक नींद लेता हूँ। मेरा शरीर मुझे अप्रिशिएट करता है कि मैं अपने आप की बहुत अच्छी केयर कर लेता हूँ। मैं अपने शरीर को हेल्दी बनाए रखने के लिए करने वाले सभी जरूरी कामों को प्यार करता हूँ। मैं अपने दिमाग को हेल्दी बनाए रखने के लिए करने वाले सभी जरूरी कामों से प्यार करता हूँ। मैं अपनी आत्मा को पवित्र और हेल्दी बनाए रखने के लिए करने वाले सभी जरूरी कामों से प्यार करता हूँ। हेल्दी रहना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इस अधिकार को अभी से ले रहा हूँ। अपने आप से प्यार करना। अगर आप भी अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं और ज्यादा मोटिवेटेड और खुश रहना चाहते हैं तो ये लेसन आपके लिए है। इसमें आप सीखेंगे कि किस तरह अपने आप से बात करने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने आप से ज्यादा प्यार करें। अगर आप अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, हर सिचुएशन में अपना साथ देना चाहते हैं, तो इस तरह की बातें आपको दिन में कई बार अपने आप से करते रहनी चाहिए। मैं अपने आप से प्यार करने के लायक हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा अपने आप को अपनाता हूँ और अपने आप से प्यार करता हूँ और अभी से और यहीं से अपने आप से प्यार करता हूँ। मैं एक्टिवली हेल्दी, पॉजिटिव और खुशी से भरे विचारों के बारे में सोचता हूँ जो वास्तविक जीवन के एक्सपीरियंस में दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा तोहफा जो मैं अपने आप को दे सकता हूँ वो है बिना किसी शर्त के प्यार करना। मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता कि परफेक्ट बनने के बाद अपने आप से प्यार करूंगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार एक चमत्कार है। जब मैं अपने आप से प्यार करता हूँ तो मेरी जिंदगी में चमत्कार होने लगता है। मैं अपने आप को प्यार करने वाला, खूबसूरत और सबसे अच्छे इंसानों में से एक के रूप में देखता हूँ।
इसलिए मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं जानता हूँ कि दूसरे मुझे प्यार करें, उससे पहले मुझे अपने आप को खुद से प्यार करना शुरू करना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी इंसान हूँ। मैं अपने अंदर की अच्छाइयाँ और काबिलियत के खजाने को देखने के लिए अपने अंदर देखता हूँ। मैं अभी से अपने अंदर की खूबसूरती और शान को देखने के लिए तैयार हूँ। मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, और अपने आप की सच्ची तारीफ करने वाले विचारों और शब्दों के जरिए अपने आप को इसका तोहफा देता हूँ। दोस्ती, इसमें आप सीखने वाले हैं कि कैसे नए लोगों से मिले, नए दोस्त बनाए और सच्चे दोस्त अपनी जिंदगी में बनाए रखें। इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्ती के लिए सेल्फ वर्क और दोस्ती से रिलेटेड इन सवालों का जवाब देना चाहिए। क्या मैं अपने आप को एक अच्छा दोस्त बनाने के लायक समझता हूँ? नहीं, क्यों कोई मेरा दोस्त बनना पसंद करेगा? अगर आपका जवाब कुछ इस तरह का ही रहने वाला है, तो अपने आप से अभी से दोस्ती के बारे में इस तरह से बातें करना शुरू कर दें। हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ, और मैं नए और अच्छे दोस्तों को अपनी जिंदगी में आकर्षित करने वाला एक चुंबक हूँ। सच्चा दोस्त बनाने के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? मुझे विश्वासघात से डर लगता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपका जवाब भी कुछ इस तरह का ही रहने वाला है, तो अपने आप से अभी से दोस्ती के बारे में इस तरह से बातें करना शुरू कर दें। मैं अपने आप पर विश्वास करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी पर विश्वास करता हूँ, और मैं अपने दोस्तों पर विश्वास करता हूँ। इसके अलावा इसके लिए हर रोज कम से कम सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान करें, और इस दौरान कल्पना करें कि आपकी जिंदगी में अच्छे दोस्त बन रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे की जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा दोस्ती के बारे में अपने आप से कुछ इस तरह की बातें हर रोज ज्यादा से ज्यादा कहते रहें। मैं अपने आप को दोस्त बनाने की इजाजत देता हूँ। मेरे दोस्त प्यार करने वाले और मदद करने वाले हैं। जब मैं किसी दूसरे इंसान को बिना जरूरत जज करता हूँ या बुराई करता हूँ, तो लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। मैं हर तरह के अलग अलग नजरिए को सुनने, समझने और अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं दूसरों की इज्जत करता हूँ और वो मेरी इज्जत करते हैं। खुलकर जीना मुझे सुरक्षित बनाता है। अगर जरूरत होती है तो मैं अपने दोस्त को अकेले समय बिताने के लिए भी कह देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम दोनों को अपने आप को समय देने की भी जरूरत होती है। प्यार और दोस्ती, इसमें हम प्यार और दोस्ती के अपने रिश्तों को अच्छा बनाने के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्यार के बारे में अपने अंदर की सच्ची भावनाओं को जानना चाहिए, जिन्हें आप इन सवालों के जवाब देकर जान सकते हैं। आपका पिछला प्यार कैसे खत्म हुआ? अपने पिछले प्यार के बारे में एक बार सोचें, वो देखने की कोशिश करें कि उसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या थी। फिर अपने रिश्ते के बारे में अपनी सच्ची भावना और विचारों के लिए इन सवालों का जवाब दें। आपने अपने बचपन से प्यार के बारे में क्या सीखा? क्या आपके लाइफ पार्टनर या जिससे आप प्यार करते हैं, वह आपके माता पिता से प्यार करते हैं? कैसे? अपनी नई सीख और समझदारी के साथ आप अपने रिश्तों को कैसा बनाना चाहते हैं? फिर प्यार और रिश्ते के बारे में जब भी आपके दिमाग में सवाल आए, अपने आप से इस तरह की बातें ज्यादा से ज्यादा बार करें। प्यार अमर है। प्यार मुझे आजाद महसूस कराता है। प्यार में रहना मुझे सुरक्षित महसूस कराता है। मेरे पार्टनर और मैं, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेरे पार्टनर और मैं हमेशा बराबर के पार्टनर हैं। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए अपने आप से ज्यादा समय इस तरह के विचारों के बारे में बात करें और इनके साथ अपने आप को जीते हुए महसूस करें। मैं मेरी क्रिएटिविटी को इम्प्रेस करने में रोकने वाली सभी चीजों को दूर करता हूँ। जब मेरे दिल के प्यार वाले हिस्से से विचार आते हैं, तो इनके साथ मैं अपने आप को आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता हूँ। मैं हर दिन कुछ नया और कुछ अलग करता हूँ। मेरा परिवार मुझे पूरी तरह से अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। क्रिएटिविटी के साथ किया गया मेरा हर काम मुझे बहुत ज्यादा सुकून महसूस कराता है। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में चमत्कार कर सकता हूँ। मेरे अंदर अनंत क्षमताएं और संभावनाएं हैं। मेरे अंदर की क्रिएटिविटी मुझे अंदर से खुश और सरप्राइज करती है। मैं साफ विचारों वाला इंसान हूँ और अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस कर लेता हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से क्रिएटिव बनने की पूरी इजाजत देता हूँ। काम और काम, अपने काम में अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए और उसमें अच्छे रिजल्ट हासिल करने के लिए दिन में इस तरह के विचारों को ज्यादा से ज्यादा सोचें, महसूस करें और इस बारे में अपने आप से बातें करें। मैं कामयाब करियर के काबिल हूं और मैं इसे अभी अपनाता हूं। मैं मस्त होकर अपने काम को करता हूं और उन लोगों के साथ भी मस्त रहता हूं जिनके साथ मैं काम करता हूं। मैं हमेशा काम करते हुए सुकून महसूस करता हूं। जब मैं अपने काम में किसी परेशानी को फेस करता हूं, तो उसे ठीक करने के लिए मदद मांगने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। जो खुशी मुझे अपने काम को करने में मिलती है, वो मेरे जीवन के अलग अलग हिस्सों में खुशी के रूप में झलकती है। मेरे काम को हर कोई जानता है। मैं अपने काम के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने काम में आने वाली परेशानियों को एक अवसर के रूप में बदल देता हूँ। मेरे सभी सीनियर मेरे साथ प्यार और इज्जत से पेश आते हैं। मैं हर एक में अच्छाइयाँ देखता हूँ और बदले में वो भी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। पैसा और समृद्धि, अपने जीवन में पैसों से रिलेटेड परेशानियों को दूर करने के लिए, जरूरत के मुताबिक पैसों को जीवन में आकर्षित करने के लिए, आर्थिक समृद्धि को हासिल करने के लिए आपको पैसों से रिलेटेड सबसे पहले पॉजिटिव और आशावादी नजरिया अपनाना चाहिए और इस तरह के विचारों के बारे में ज्यादातर सोचना चाहिए। इनके साथ जीते हुए अपने आप को महसूस करना चाहिए और अपने आप से इनके बारे में बातें करनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस ब्रह्मांड में रहता हूँ जहाँ बहुत ज्यादा पैसे, प्यार और समृद्धि मौजूद है। मैं पैसों के लिए एक चुंबक की तरह हूँ
पैसे और हर तरह की आर्थिक समृद्धि मेरी तरफ खिंची चली आती है। मैं अपने बैंक में जरूरत से ज्यादा पैसे रखने के काबिल हूँ। आज मेरे पास उम्मीद के मुताबिक पैसे आने वाले हैं और यहाँ तक कि उम्मीद से ज्यादा ही आने वाले हैं। मेरा क्रेडिट स्कोर हर समय अच्छा रहता है। मैं पैसों को बहुत समझदारी से खर्च करता हूँ। मेरे पास हमेशा उससे ज्यादा पैसा रहता है जितने की मुझे जरूरत है। मैं अपने बिल को हमेशा समय पर चुकाता हूँ और उन्हें चुकाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुशी और समझदारी से अपने रिटायरमेंट के लिए पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एडिक्शन से छुटकारा। लत लगना ये कहने का दूसरा तरीका है कि मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। जब हम इस तरह की सोच या बिहेवियर में पड़ जाते हैं तो अपने आप से भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम अपनी भावनाओं के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। हम अपने बारे में कुछ ऐसा सोचने लगते हैं, याद करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं या बिहेव करने लगते हैं जिनसे हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए कई लोग ज्यादा खाना खाने, ड्रिंकिंग करने, सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होने लगते हैं, दवाइयां खाने लगते हैं, ऐसी चीजों पर पैसे खर्च करने लगते हैं जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की अपनी पारिवारिक जिंदगी और प्यार भरे रिश्ते खराब होने लगते हैं। इस तरह की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए ऑथर हमें कुछ अफर्मेशन बताती हैं जिनके बारे में हमें ज्यादातर समय सोचना चाहिए, उनके साथ अपने आप को जीते हुए महसूस करना चाहिए और अपने आप से जब भी उनसे रिलेटेड कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे तुरंत पॉजिटिव बातों से बदलकर इसे करना शुरू कर देना चाहिए। मैं शांत हूँ। मैं जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हूँ। मैं गहरी सांस लेते हुए अपनी चिंताओं को दूर कर लेता हूँ। मेरे पास जीवन में सब कुछ हैंडल करने के लिए जानकारी है, ताकत है, काबिलियत है। मैं परफेक्ट बनने की जरूरत को खत्म करता हूँ और जैसा हूँ वैसा अपने आप से प्यार करता हूँ। उम्र का बढ़ना। अब हम ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें से कई लोग सोचना पसंद नहीं करते। वो टॉपिक है उम्र का बढ़ना। इसमें ये मैटर नहीं करता कि अभी आपकी उम्र कितनी है या अभी आप कैसे दिखते हैं, बल्कि आप इन तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी बढ़ती उम्र के बारे में सोच और महसूस करने को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ज्यादा उम्र वाले और उससे रिलेटेड शब्दों को जवानी से रिलेटेड शब्दों में बदल देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ओल्ड इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें, एजिंग शब्द को लिविंग लॉन्गर से बदल दें, नए कॉन्सेप्ट्स को अपनाने के लिए तैयार रहें, अपने विचारों और विश्वासों को नए जमाने के विचारों और विश्वासों के साथ जरूरत के मुताबिक बदलते रहें, अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखें। इसके अलावा अपने आप से इस तरह की बातें करते रहें, मैं एज से रिलेटेड सभी डरों को दूर करता हूँ, मैं अपने दिमाग और शरीर में बहुत खूबसूरत हूँ, मैं आत्मनिर्भर और मजबूत हूँ, पूरी तरह खुलकर और आजादी से जीना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं दुनिया में हर एक को प्यार करता हूँ और वो लोग भी मुझे प्यार करते हैं। तनाव मुक्त जीवन। अब हम जानेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा तनाव मुक्त बनाएं जितना ज्यादा तनाव मुक्त बनाना संभव है। अगर आप महसूस करें कि आप तनाव में हैं या कोई नेगेटिव विचार या भावना आपको परेशान कर रही है तो तुरंत इस तरह के विचारों के बारे में सोचना, इनके साथ अपने आप को जीना और इस तरह के विचारों के बारे में अपने आप से बातें करना शुरू कर दें। मैं हर तरह के डर और शक को दूर करता हूँ और इससे मेरी जिंदगी आसान और खूबसूरत बन रही है। मैं अपने लिए एक तनाव मुक्त जीवन बना रहा हूँ। मैं अपनी हर मसल को रिलैक्स कर रहा हूँ और हर तरह की टेंशन अपने कंधों से उतार रहा हूँ। मैं धीरे धीरे अपनी सांस को अंदर ले रहा हूँ, बाहर छोड़ रहा हूँ और हर सांस के साथ मैं ज्यादा आरामदायक महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में कामयाबी और खुशी के लिए केंद्रित और फोकस्ड हूँ और मैं हर दिन ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।